देखिए यहाँ पर आप लोग सभी मौजूद थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मीडिया इतनी तादाद में यहाँ पर मौजूद थी और इस इवेंट को आप लोगों ने कवर किया, क्योंकि आप लोग भी ये बात इनको आपने देखा नाचते हुए गाते हुए सुना, आप लोगों ने इनकी बात सुनी, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि दे आर लिटिल डिसेबल्ड या ये ब्लाइंड है. एंड आई एम सरप्राइज दैट दे आर सो अप टू डेट इन एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इनकी जो सोच है ये, मतलब दे वॉन्ट टू सर्व द कंट्री. कोई NGO खोलना चाहता है, कोई IAS ऑफिसर बनना चाहता है, और हर तरह से सबने एक ही चीज़ कही कि अपने देश के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं. वो बहुत बड़ी बात है. आई थिंक एवरीबडी हियर इज़ मतलब आई वॉज सरप्राइज एंड अस्टॉनिश्ड इन अ वे दैट ये कितना कुछ करना चाहते हैं. एंड बहुत अच्छी बात है मिस्टर समीर, डॉक्टर समीर जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, जिन्होंने पूरा खर्चा उठाया इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में आई थिंक सब लोग दो बार सोचते हैं यू नो डोनेशन देने में, चैरिटी करने में. एंड यहाँ पर मिस्टर समीर, डॉक्टर समीर जो हैं वो इतना अच्छी तरह से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और इन सबको बुलाया है, सारे बच्चे, सारे गर्ल्स, ऑल द प्रिंसेस इंडिया, जैसा कि आप देख सकते हैं. आई थिंक मेरी तरफ से तो सभी प्रिंसेस हैं यहाँ पर. एंड दे ऑल सेइंग कि वो सब कॉन्फिडेंटली यहाँ से वापस जा रहे हैं अपने शहरों में. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. सी हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री में एक चीज़ है कि देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग राइट नाउ. काफ़ी लुक टेस्ट मेरे चल रहे हैं शोज़ के लिए, सो आई डोंट नो विच शो विल कम, सो इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट. बट हाँ, कुछ शोज़ की हमारी बातचीत चल रही है एंड दे आर वेरी एक्साइटिंग शोज़. थैंक यू सो मच. वेलकम वेलकम.